चाइना गुआंगझो से वापस जा रहे हैं अपना कोलकाता। ये आप ये होटल से चेकआउट कर चुके हैं, अभी हमारा सामान वगैरह लोडिंग हो रहा है गाड़ी में। ये देखिए ये गाड़ी, हेलो हेलो, ये इनकी गाड़ी है, ये बहुत हमें हेल्प करते हैं जब चाइना में आते हैं। ये देखिए ये गाड़ी से अभी हम सुझाव जी और ओली भाई दोनों एकदम सामान उठाते हुए। फ्रेंड्स अभी हम गुआंझो का भायुन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। जो भायुन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका दो टर्मिनल है, टर्मिनल वन टर्मिनल टू। टर्मिनल वन नॉर्मली डोमेस्टिक के लिए है और टर्मिनल टू है इंटरनेशनल के लिए। वंस अगेन आज हम चाइना गुआंझो से वापस जा रहे हैं अपना कोलकाता। ये आप ये होटल से चेकआउट कर चुके हैं, अभी हमारा सामान वगैरह लोडिंग हो रहा है गाड़ी में। ये देखिए ये गाड़ी, ये हमारा चाइनीज सिस्टर, हेलो हेलो, ये इनकी गाड़ी है, ये बहुत हमें हेल्प करते हैं जब चाइना में आते हैं। ये देखिए ये गाड़ी से अभी हम सुजाउद्दीन और ओली भाई दोनों एकदम सामान उठाते हुए। ये गाड़ी से अभी हम एयरपोर्ट चलेंगे, एयरपोर्ट से अभी हमारा सिंगापुर एयरलाइंस का ही फ्लाइट है, उससे जाएंगे सिंगापुर और वहाँ से फिर अपना कोलकाता। तो यहाँ से हम कोलकाता तक का सफ़र थोड़ा बहुत आप लोग के साथ शेयर करने का कोशिश करेंगे, तो हम लोगों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। फ्रेंड्स अभी हम गुआंझो का भायुन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, अभी जस्ट हम एयरपोर्ट पहुँचे हैं, अभी हम लोग इंटरनेशनल डिपार्चर में हैं। आप लोगों को दिखा देते हैं इंटरनेशनल डिपार्चर। ये जो भायुन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका दो टर्मिनल है, टर्मिनल वन टर्मिनल टू। टर्मिनल वन नॉर्मली डोमेस्टिक के लिए है और टर्मिनल टू है इंटरनेशनल के लिए। तो बहुत ही स्पेशियस और बड़ा एयरपोर्ट है देखने लायक। तो अभी ये सामने जो एन काउंटर है यहाँ पे अपना चेकिंग चल रहा है सिंगापुर एयरलाइंस का, अभी हम चेकिंग में जाएंगे। हमारा ओलीवल भाई थोड़ा फ्रेश होने गए हैं, फ्रेश होकर आते हैं, तो उसके बाद हम लोग चेकिंग करके इसके बाद इमिग्रेशन करके आप लोग मिलाना। अब फ्रेंड्स अभी हमारा गुआंझो भायुन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आपका इमिग्रेशन क्लियर हो गया, सिक्योरिटी के बाद इमिग्रेशन। अभी हम जस्ट अपना गेट की तरफ जा रहे हैं, हमारा गेट है 152 जो कि एकदम लास्ट में है। और अभी हम जो चाइना गुआंझो का बहुत ही फेमस, यहाँ पे कुछ ड्यूटी फ्री शॉप भी है, यहाँ पे है आगे भी था बहुत सारा। गुआंझो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इतना बड़ा एयरपोर्ट है, एकदम सुकून भरा, आपको यहाँ कोई रश नहीं मिलेगा, कोई आदमी को जल्दी का नहीं है, एकदम आराम से आप यहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। ये बहुत ही मतलब ऑयल प्लांट बनाया गया है, पहले जो ओल्ड था, मैं तो यहाँ बहुत सालों से आ रहा हूँ, जब ओल्ड था थोड़ा रश वगैरह रहता था, लेकिन जो न्यूली मेड जो टर्मिनल टू है एकदम एक्सलेंट है, वर्ल्ड क्लास। फ्रेंड्स अभी हम सिंगापुर पहुँच चुके हैं, सिंगापुर का टर्मिनल थ्री में जस्ट अराइव हुए हैं। अभी यहाँ से हमारा 2 घंटा बाद कोलकाता के लिए फ्लाइट है, तो अभी हम लोग ट्रांजिट लाउंज में ही हैं। यहाँ से हम लोग थोड़ा क्या क्या शॉपिंग का ऑप्शन आप लोग को दिखाएंगे और आगे हम लोग फ्लाइट पकड़ के चलेंगे। तो 2 घंटे का टाइम है, तो चलिए थोड़ा सिंगापुर एयरपोर्ट को भी देखते हैं। ये सामने देखिए यहाँ पे कुछ ड्यूटी फ्री शॉप वगैरह, जो कि वाइन जो स्पिरिट वाला जो लोग लेते हैं वो लोग के लिए है, सिगरेट वगैरह अपने कुछ से कोई काम ही नहीं है। सिंगापुर जो ट्रांजिट लाउंज, लास्ट टाइम आप लोगों को तो बढ़िया से दिखाया था, हमारा ट्रांजिट टाइम भी बहुत ज़्यादा था, इस बार थोड़ा टाइम कम है, तो इसी का भीतर कोशिश करेंगे कि जितना दिखा सके। ये देखिए सामने ये आई स्टूडियो प्रीमियम रिसेलर है आईफोन का, अभी सामने फ्रेंड्स अभी वो एयरपोर्ट का भीतर जो एप्पल का रिसेलर है वहीं पर ही हम लोग है। यहाँ पे आपको रेट दिखाते हैं 15 प्रो मैक्स का, फ्रेंड्स अभी जो वो आई शॉप में हम लोग गए थे आई स्टूडियो का, वहाँ पे आईफोन का सिर्फ एक ही वेरिएंट था जो कि आपका टाइटेनियम ब्लू, जो एकदम मुझे पसंद ही नहीं आया। अगर नेचुरल टाइटेनियम या व्हाइट टाइटेनियम दोनों में से कुछ भी नहीं है, आपका ओनली ब्लू है, वो भी 256 का। अपने को चाहिए था 512 या 1 TB का, जो कि हम अपना ब्लॉगिंग को अभी तो GoPro से करते हैं, हमको
इच्छा था कि हम आईफोन खरीदे और उसी से ही ब्लॉगिंग को आगे बढ़ाए, लेकिन ये तो हुआ नहीं पॉसिबल, तो बाद में ट्राई करेंगे। अभी फिलहाल आईफोन खरीदने का जो हमारा प्लान था बेकार हो गया। अभी आप लोग थोड़ा सिंगापुर एयरपोर्ट को एंजॉय कीजिए। ये देखिए मैं घुमाता हूँ थोड़ा कैमरा, ये ड्यूटी फ्री शॉप, ये ऊपर में लाउंज वगैरह है। आपका लुई विटन, यहाँ पे ड्यूटी फ्री कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम्स, तो थोड़ा अभी वहां भी चलते हैं। फ्रेंड्स, हम अपना इस बार का चाइना का ब्लॉग, जो कि 2024 का जो चाइना ब्लॉग था हमारा, तो हम आज यहीं खत्म करते हैं सिंगापुर चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। अभी यहां से हमारा कोलकाता का फ्लाइट है। इस बार का हमारा चाइना ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर बहुत जल्दी आप लोगों से मिलेंगे कोई नया देश नया ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए इस बार का चाइना ब्लॉग से बाय बाय।